अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 की क्लास 10 का थ्योरम 4, थ्योरम 4A। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं, बाहर से टच करते हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडी। तो उनके सेंटर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है डी और दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है एफ, इनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है ये हमें मिलेगा इनके रेडियस को ऐड करके, यानी एक सर्कल का रेडियस सी डी और दूसरे सर्कल के रेडियस सी एफ को जब हम ऐड करेंगे, हमारे पास सम आएगा सी डी प्लस सी एफ, तो हमारे पास इनके सेंटर्स का डिफरेंस आएगा, इनके सेंटर्स का डिस्टेंस आएगा। गिवन देखते हैं, टू सर्कल्स विद सेंटर डी एंड एफ रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट सी। गिवन हमारे पास दो सर्कल्स विद सेंटर्स डी एंड एफ, एक सर्कल का सेंटर डी है और दूसरे का एफ, ये एक्सटर्नली टच करते हैं एट पॉइंट सी। जहाँ पे ये टच करते हैं उस पॉइंट को हम सी का नाम देंगे, सो डैट सी डी एंड सी एफ आर रिस्पेक्टिवली द रेडी ऑफ द टू सर्कल्स। तो फिर हम कहते हैं सी डी और सी एफ इन दोनों सर्कल्स के रेडियस हैं। प्रूव हमने करना है, पॉइंट सी लाइज ऑन द जॉइन ऑफ सेंटर्स डी एंड एफ एंड मेजर डी एफ इज इक्वल टू मेजर डी सी प्लस मेजर सी एफ। हमने ये प्रूव करना है कि पॉइंट सी जो है इनके सेंटर्स के डी और एफ की जॉइन पे लाई करता है, यानी जहाँ पे डी और एफ इन दोनों के सेंटर्स मीट करते हैं वहाँ पे पॉइंट सी लाई करता है, और ये भी कि मेजर डी एफ इज इक्वल टू मेजर डी सी प्लस मेजर सी एफ, यानी कि ये डी एफ इनके सेंटर्स का डिस्टेंस हमें मिलेगा इनके रेडियस को ऐड करके, जो है डी सी प्लस सी एफ। ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ड्रॉ ए सी बी एज अ कॉमन टेंजेंट टू द पेयर ऑफ सर्कल्स एट सी। ए सी बी एक कॉमन टेंजेंट हम बनाएंगे, इन दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट जो दोनों सर्कल्स को सी पॉइंट पे मीट करे। प्रूफ देखते हैं स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट हम लिखेंगे, बोथ सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट सी, वेयर सी डी इज द रेडियल सेगमेंट एंड ए सी बी इज द कॉमन टेंजेंट। दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली बाहर से टच करते हैं सी पॉइंट पे, जहाँ पे हमारे पास सी डी रेडियल सेगमेंट है और ए सी बी कॉमन टेंजेंट है। देयरफॉर मेजर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कहते हैं एंगल ए सी डी, यानी इस सर्कल के भी हम बात कर रहे हैं, इस पे सी पे 90 डिग्री की एंगल है, इसको हम 1 का नाम देंगे, और इसकी रीजन है रेडियल सेगमेंट सी डी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन ए बी। सी डी हमारे पास रेडियल सेगमेंट है और टेंजेंट लाइन हमारे पास ए बी है। ये हम पहले थ्योरम्स में पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है रेडियस सर्कल का। अगर इस तरह परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन के रेडियस, अगर रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन के, तो इसका मतलब है रेडियस 90 डिग्री की एंगल बनाता है टेंजेंट लाइन से। इस वजह से एंगल सी पे हम 90 डिग्री की एंगल लिखेंगे, मेजर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। Similarly, CF is radial segment and ACB is a common tangent. इसी तरह हम दूसरे सर्कल के लिए लिखेंगे कि CF हमारे पास रेडियल सेगमेंट है, ACB कॉमन टेंजेंट है, therefore मेजर एंगल ACF is equal to 90 degree. तो इसमें भी एंगल ACF 90 degree की होगी, वो इसलिए रेडियल सेगमेंट CF is perpendicular to the tangent line AB. रेडियल सेगमेंट हमारे पास CF है और टेंजेंट लाइन AB ये उसके परपेंडिकुलर है। हम ये पहले थ्योरम्स में पढ़ चुके हैं कि जो रेडियल सेगमेंट है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब है एंगल सी पे 90 डिग्री की एंगल होगी, मेजर एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हम 2 का नाम देंगे। अब हम अगले स्टेटमेंट लिखते हैं, मेजर एंगल ए सी डी प्लस मेजर एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अगर हम ए सी डी और ए सी एफ को ऐड करेंगे तो हम 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। 1 में हमने कहा ए सी डी 90 डिग्री है, 2 में हमने कहा ए सी एफ 90 डिग्री है, और यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ जाता है मेजर एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 90 180 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास इस पूरी लाइन का मेजर आ गया मेजर डी सी एफ, और ये है 180 डिग्री के इक्वल, इसको हम 3 का नाम देंगे, और इसकी रीजन है सम ऑफ सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स। सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स जो है 180 डिग्री की एंगल होती हैं, इसलिए मेजर एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसकी रीजन है सम ऑफ सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स। अब हम लिखते हैं, हेंस डी सी एफ इज अ लाइन सेगमेंट विद पॉइंट सी बिटवीन डी एंड एफ। तो इसका मतलब है डी सी एफ एक लाइन सेगमेंट है विद पॉइंट सी बिटवीन डी एंड एफ, एंड मेजर डी एफ इज इक्वल टू मेजर डी सी प्लस मेजर सी एफ। और ये प्रूव हो गया कि मेजर डी एफ इक्वल है मेजर डी सी प्लस मेजर सी एफ, इस तरह से कि हमारे पास एंगल डी सी एफ
180 डिग्री है, जिसका मतलब है सी पॉइंट बिटवीन लाई कर रहा है डी और एफ के, और अगर हम डी सी और सी एफ को ऐड करेंगे तो हमारे पास डी एफ आएगा, वो इसलिए क्योंकि सी पॉइंट बिटवीन में लाई करता है डी और एफ के। हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए।